फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शीतल है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये पैराशूट एडवांस एलोवेरा एनरिच कोकोनट हेयर ऑयल के बारे में। ये प्रोडक्ट जो है मेरे बालों पे किस तरह काम किया है, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे कोई भी वीडियो अपलोड करते ही आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो मैं इसके पैकेजिंग के बारे में बात करूंगी। इसका जो पैकेजिंग है ये एक ब्लू कलर ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है और आपको ये एक फ्लिप ओपन कैप भी मिल जाता है जिससे आप ऑयल को आसानी से निकाल सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें। नेक्स्ट आके मैं इसके साइज़ और प्राइस के बारे में बात कर रही हूँ। इसका जो साइज़ है टू साइज़ में आ जाता है, एक है 75 ml और एक आके 250 ml में है। आज मैंने 250 ml का प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है और इसका जो प्राइस है 113 rupees है। अगर आप अमेज़ोन से या नायका से ख़रीद रहे हैं, आपको ये प्रोडक्ट आपको 10% या 15% डिस्काउंट में मिल जाएगा और 75 ml का जो प्रोडक्ट है वो आके 60 rupees में आपको मिल जाएगा। तो आप ये कहीं पे भी इजीली अवेलेबल भी है, आप कहीं पे भी कोई भी मेडिकल स्टोर से आराम से इसको खरीद सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट आके इसका कलर और इसके स्मेल के बारे में बात करूंगी। इसका जो कलर है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर है, इसका कोई भी कलर नहीं है। और इसका जो खुशबू है ये बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही अच्छा खुशबू है इसका। इसका जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत ही लाइट वेट है और ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस प्रोडक्ट को मैंने 3 से 4 महीने तक अपने बालों पे यूज़ किया है और मेरा जो बाल है बहुत ही स्मूथ और शाइनिंग हो गया है। और हालांकि बहुत सारे वीडियोस में भी मुझे पूछा गया था कि आपके बालों में आप लगाते क्या हो जो जिससे आपका जो बाल है बहुत ही शाइनिंग और बहुत ही स्मूथ लगता है, फ्रीजी नहीं दिखता है करके। सो गाइस, ये जो ऑयल है मैं अपने बालों पर लगाती हूँ और मेरा जो बाल है इसी के वजह से बहुत ही स्मूथ और शाइनिंग हो रहा है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कोकोनट ऑयल है और आप सब जानते हैं कि कोकोनट ऑयल हमारे बालों को मजबूत करने में मदद करता है और हमारा जो स्कैल्प है उसको भी कंडीशनिंग करता है और हमारे बालों को ग्रो करने में बहुत ही मदद करता है। इसमें जो एलोवेरा है ये भी हमारे फ्रीजी बालों को स्मूथ और शाइनिंग बनाने में मदद करता है। इसमें मिनरल भी है जो आपके बालों के मॉइस्चर को लॉक करके और उसको स्मूथ और शाइनिंग करने में बहुत ही मदद करता है। बदलते मौसम की वजह से हमारे जो बाल है बहुत ही ड्राई और फ्रीजी हो जाता है और ये हेयर ऑयल लगाने से हमारे जो बाल है बहुत ही स्मूथ हो जाता है और बहुत ही शाइनी हो जाता है। इस प्रोडक्ट को आप हेयर सीरम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप अपने बालों को धोने के बाद तुरंत इसको 2 या 3 बूंद अपने हाथों में लेके आप इसको सीरम की तरह अपने बालों पर लगा सकते हो। ये प्रोडक्ट को आप रेगुलरली अप्लाई कीजिए और इसको रेगुलरली अपने स्कैल्प में मसाज करने से आपका जो बाल है वो भी बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपका जो फ्रीजीनेस है बालों में वो भी बहुत ही स्मूथ और शाइनिंग हो जाएगा। हेयर वॉश करने के बाद मेरा जो बाल है बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और बहुत ही स्मूथ हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मेरे बालों पे बहुत ही अच्छा शाइन भी आ चुका है। अगर आपके जो बाल है बहुत ही झड़ रहे हैं और आपका जो बाल है ग्रो नहीं हो रहा है तो उसके बारे में मैंने सेपरेट सा एक वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे कोई भी वीडियो अपलोड करते ही आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।